हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था वो था एक आर्ट एल्बम के ऊपर। उसमें मैंने शेयर किया था मेरा कुछ पुराना आर्ट वर्क्स और जो यूट्यूब का आर्ट वर्क था वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो जो आर्ट एल्बम था वो एक कैटलॉग के हिसाब से मैं यूज़ करता था कस्टमर को दिखाने के लिए। मैंने बोला भी था आप लोगों से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एल्बम उसमें तो ऑब्वियसली प्रिंटआउट्स थे, पर आज मैं शेयर करूंगा जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है उसका एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सो फिलहाल अभी मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, पर जितना भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ज़्यादातर सेल हो गया है और सो उनमें से कुछ ऑयल पेंटिंग्स और कुछ सॉफ्ट पेस्टल का पेंटिंग किया हुआ मेरे पास है अभी, जो थोड़ा सा बड़ा है साइज में। सो चलिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ और एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और नए हो तो सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। सो गाइस, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा मेरा जो कुछ ओल्ड आर्ट वर्क्स है, कुछ पेंटिंग्स है मेरे पास अभी भी, वो दिखाना चाहूँगा। और मेरा जो स्टूडियो है उसका डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँगा। सो गाइस, आप देख ही पा रहे होंगे कि इतने बड़े वॉल पे सिर्फ दो पेंटिंग्स लगवा है, थोड़ा अजीब है ये। सो फिलहाल ये जो पेंटिंग है ये आप देख पा रहे हैं ऑयल ऑन कैनवस है और थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने फार्निश किया है। और इस वॉल पे एक टाइम पे बहुत सारे पेंटिंग्स थे, टोटली फुल थे, पर अभी मेरे पास फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन और कमीशन वर्क्स भी होते थे और कुछ एग्जीबिशन्स में भी सेल हो जाते हैं। सो ये है एक बहुत बड़ा टेस्ट कैनवस है और ये एक साल तक मे बी एक साल या दो साल तक ये आर्ट गैलरी पे था, पर इसका मुझे सही प्राइस नहीं मिला सो इसलिए मैं इसको रिटर्न वापस ले आया। तो गाइस, इस साइड वाला वाइट वॉल भी टोटली आप देख पा रहे हैं एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। एक टाइम पे यहाँ पे भी बहुत सारा होता था, नीचे तक होता था, पेंटिंग्स टोटली फुल होता था। और सच यही है कि मैंने एक साल तक मैंने कोई पेंटिंग्स खुद के लिए और ने चैनल के लिए भी नहीं बनाया। सो जो भी बनाता था वो ऑलमोस्ट कमीशन वर्क या फिर मुरल आर्ट यही सब होते थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है जीसस क्राइस्ट जो मैंने लास्ट ईयर को कंप्लीट किया था। और ऑयल ऑन कैनवस है, स्ट्रेच कैनवस है और वो है विराट कोहली सॉफ्ट पेस्टल में और इसको फ्रेम भी कर दिया है मैंने। और ये भी एक सॉफ्ट पेस्टल का पेंटिंग है, इसको भी फ्रेम कर दिया है। ये रोज़ रियलिस्टिक रोज़, इसका तो आपको पता ही है, इसका वीडियो भी है। यहाँ पे है और एक इनकम्प्लीट आर्ट। सो ज़्यादातर मेरे इनकम्प्लीट ही होते हैं, जब भी मैं कोई बड़ा काम लेता हूँ या फिर बड़ा पेंटिंग करता हूँ तो उसको मैं कम्प्लीट कर ही नहीं पाता हूँ, और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं इसी वजह से मैं कम्प्लीट नहीं कर पाता हूँ। सो मे बी ये स्टूडियो ज़्यादा दिन मेरे पास रहने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इस पर एक टाइम पे टोटली इंडोर प्लांट्स था, प्लांट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ट्रीज भी थे बहुत सारे। सो लॉकडाउन की वजह से मैं 2 महीने तक स्टूडियो पे आ ही नहीं पाया और जब मैं आया तब मैंने देखा कि जितने भी प्लांट्स थे, इंडोर प्लांट्स थे, ट्री थे, वो सारे डैमेज हो गए। और स्टूडियो में मुझे पहले से ही जो लाइट है, लाइट को लेकर बहुत ही परेशानी होती थी। नेचुरल लाइट और नेचुरल जो सनलाइट है यहाँ पे कभी आता ही नहीं है, बहुत ही कम है। इसके अलावा ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है स्टूडियो में। सो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई कलेक्शन नहीं है जैसे आप देख पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन मेरा खुद का स्टोर है, ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम आपने सुना ही होगा। सो पर गाइस, इस साल से मैं अपना जो कलेक्शन है वो मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और स्टार्ट कर दिया है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट एग्जीबिशन है जो कि इस साल को होने वाला था, पर अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है मे बी। सो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे पेंटिंग्स मैं बनाने वाला हूँ। और सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ मेरा ड्राइंग्स। और गाइस, ये रहा मेरा ड्राइंग्स स्पेशली यूट्यूब का है, जो मैंने यूट्यूब पे स्पेशली बनाया है, यही ड्राइंग्स है। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वीडियो है चैनल पे यही है। दिखने में ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ हुआ है, पर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने एक नॉर्मल जो होता है 50 रुपीज़ का कैमल का जो पेंसिल होता है, शेडिंग पेंसिल, वही यूज़ किया है। और दो पेंसिल ही मैंने यूज़ किया था, 6B और मे बी 2B, और उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा हुआ है। सो ग्रेफाइट पेंसिल का यही मेन प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही शाइन करता है लाइट पड़ने से। सो यही रीज़न है कि मैं ग्रेफाइट पेंसिल या फिर शेडिंग पेंसिल से करता ही नहीं हूँ ड्राइंग, और इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। टाइम के साथ साथ क्या होता है, जब भी आप ग्रेफाइट पेंसिल से करते हैं जो ड्राइंग होता है वो फेड होता जाता है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, ये फिक्स्ड स्प्रे एक ऑप्शन है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं और टोटली एक कवरेज दे देगा लाइफ टाइम के लिए, पर उससे जो इफेक्ट होता है रियलिस्टिक का वो चला जाता है, थोड़ा रफनेस आ जाता है। ये मेरा सेकेंड वीडियो था यूट्यूब पे, ये भी मैंने चीप पेंसिल से ही किया है। सो इसमें जो है वो पहले बहुत ही डार्क था साइड पे, ऑलमोस्ट इसको 3 साल हो गया है, सो इसलिए ये थोड़ा धीरे धीरे ये फेड हो रहा है, मे बी फ्यूचर में और भी फेड होगा। ये रहा कलर पेंसिल से किया हुआ ड्राइंग, और इसको भी मैंने बहुत ही चीप कलर पेंसिल से किया था, आर्ट लाइन का जो आता है 150 रुपीज़ का, उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि ये कोई प्रिज्मा कलर या फिर हाई क्वालिटी कलर पेंसिल नहीं था और इसको ब्लेंड करना भी बहुत ही मुश्किल था। इसका एक वीडियो है आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ड्राइंग है, वो भी चीप कलर से किया हुआ, जो आर्ट लाइन का जो कलर पेंसिल है 100 रुपीज़ का, जो कि और भी चीप है, उससे मैंने किया था और रिजल्ट जो है देखने लायक है। सो दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्रिज्मा कलर से किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ है और रियलिस्टिक भी हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है,
बहुत ही चीप कलर पेंसिल यूज़ किया है मैंने, और इसका भी कंप्लीट वीडियो है, आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं यूट्यूब पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। और ये रहा मेरा पहला प्रिज्मा कलर से किया हुआ ड्राइंग। इसका बैकग्राउंड जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक ही है, बहुत रियलिस्टिक हुआ है, पर मे बी बैकग्राउंड पे और भी अच्छा कलर हो सकता था। पर प्रिज्मा कलर का जो पहला एक्सपीरियंस था मेरा यही था, यही ड्राइंग था, और एक्सपीरियंस जो है प्रिज्मा कलर के साथ ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। और प्रिज्मा कलर का क्या है, एक स्पेशली ब्लेंडर आता है, ब्लेंडर पेंसिल, उससे और भी इजीली ब्लेंड हो जाता है कलर। ऑब्वियसली गुड क्वालिटी पेंसिल विल गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं। सो आप देख पा रहे हैं ये है चारकोल पेंसिल से किया हुआ, कैमल का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से उससे मैंने किया है, और उतना बुरा नहीं हुआ है, ये एक बिगनर्स के लिए बनाया था मैंने स्पेशली, तो इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो ये भी एक आई ड्राइंग है, और ये मैंने प्रिज्मा कलर से नहीं किया, अगेन ये चिप कलर पेंसिल से है, और इसको भी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था मेरे लिए। चिप कलर पेंसिल से वो रियलिज्म अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर अगर आप वीडियो देखेंगे इसका प्रोसेस मैंने दिया है स्टेप बाय स्टेप, कैसे यूज़ करना है, कैसे ब्लेंड करना है। कलर पेंसिल जो यूज़ किया है मैंने इसमें वो है आर्टलाइन का 100 रुपीज़ वाला, ये ऑलमोस्ट मेरा बहुत ही पुराना ड्राइंग है, और इसमें ऑलमोस्ट मुझे लगा है 1 मंथ। इसमें आप देख पा रहे होंगे सिर्फ लाइन से किया हुआ है, और ये पेन एंड इंक से किया हुआ है, सो 0.1 mm पेन से मैंने किया है, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स है इसमें और रियलिस्टिक भी है। सो गाइस ये जो सभी ड्राइंग देख रहे हैं ये भी 10 साल पुराना है, जब मैं स्कूल पे था, आर्ट स्कूल पे, तब मैंने किया था। सो इसमें भी डॉट है, सिर्फ डॉट यूज़ किया है मैंने, और इसमें भी मैंने यूज़ किया है 0.2 mm और 0.1 mm पेन मैंने यूज़ किया है। टोटली जो ये ड्राइंग है मैंने लाइन से ही किया है, और 0.2 mm पेन, और जहाँ पे थोड़ा सा डार्क था वहाँ पे 0.5 mm पेन मैंने यूज़ किया है। मे बी इसका वीडियो आपने देखा होगा, ये एक MDF बोर्ड के ऊपर है, ऑयल पेंटिंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसीलिए दिखा पा रहा हूँ मैं, और वाटर बबल्स है, देख पा रहे होंगे आप। इसका भी वीडियो है, आप देख पाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं।